अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं तोरियों का सालन, जिसके लिए मेरे पास 2 मीडियम साइज़ प्याज हैं, 3 हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक, लाल मिर्चें, हल्दी और तोरियां, इसके अलावा गरम मसाला जात। तो चलिए हम अपनी सब्जी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हा जला लेंगे और प्याजों को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बनने वाली सब्जी है और ठंडी सब्जी भी होती है, गर्मियों में इसका इस्तेमाल लाजमी करें, जैसे कद्दू, तोरियां, टींडे, ये सारी सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए, ठंडी होती हैं, आपको गर्मी से बचाती हैं। तो हम प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, जब तक ये गोल्डन ब्राउन होंगे हम इनको फ्राई करते रहेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जी, ये प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं, इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये गरम मसाला जाता है जिसके अंदर बड़ी इलायची, कसूरी मेथी, जीरा और दालचीनी, 1 कड़ी पत्ता शामिल है, ये मैंने डाल दिया इसमें। अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। जी, प्याज हमारे फ्राई हो गए, इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला जार डाल दिए, वो भी फ्राई हो गए। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच दही, 2 टेबलस्पून मैंने दही डाल दिया। ये मसाला हमारा जब तक तैयार होता है, इसके अंदर हम अब डाल देंगे नमक मिर्चें। इसमें हम डाल देंगे नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और हल्दी 1 टीस्पून। इसके अंदर हम 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे और मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला हमारा तैयार है, इसके अंदर अब हम डाल देंगे तोरियां। तोरियों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये तोरियां हमारी भून चुकी हैं, जब ये पानी छोड़ना शुरू कर दें इसका मतलब है ये भून गई हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको पकाने के लिए रख देंगे। तोरियों में बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि तोरियाँ अपना पानी बहुत छोड़ती हैं और उसी के अंदर ही वो पकती हैं, जिसकी वजह से जायका उसका अच्छा आएगा। तो हमने बिल्कुल हल्का सा पानी इसमें शामिल करके इसको पकने के लिए रख देंगे। इसमें हल्का सा पानी डाल के हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। जी, तो व्यूअर्स, हमारा सालन बन चुका है, इसको हम अच्छी तरह से हमने इसको पका लिया। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ऐसी ही मज़े मज़े की वेजिटेबल रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, लीव ए कमेंट। थैंक यू।